मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है, इसको गंभीरता से आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए कि उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी का इरोजन, यानी उनके नैतिकता का आधार किस सीमा तक ध्वस्त और जर्जर हो गया है अन्ना हजारे की टिप्पणी से लेकर उनके अपने मंत्री के त्यागपत्र तक, उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। परंतु अफसोस की बात यह है कि वो अनर्गल आरोप पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। सर, जयराम रमेश जी ने जो है केशव थीवू के मामले पर कहा है कि वो तमिलनाडु के इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से उसे बताया जाता कि वो एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये चुनाव का मुद्दे की बात नहीं है। भारत का कण कण हमारे लिए शंकर की तरह है। उनके लिए तो अक्साई चिन्ह भी मुद्दा नहीं था कि उसपे घास नहीं उगती थी। उनके लिए कच्चा थीवू मुद्दा नहीं है। आजादी के समय ग्वादर हमारे पास था, वो मुद्दा नहीं है। और उनके लिए तो दक्षिण भारत के उनके नेता कहते हैं कि उत्तर से अलग हो जाना चाहिए, वो मुद्दा नहीं है। तो कश्मीर के उनके नेता सैफुद्दीन सोच कह चुके हैं कश्मीर अलग हो जाए, ये मुद्दा नहीं है। ये भारत की एकता और अखंडता के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता और साहस और दृढ़ता, तीनों के अभाव का प्रतीक है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस ऐसा बोल रही। वैसे जयराम रमेश जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें तो पता होगा चीन के बारे में क्यों बोल रहे हैं। शायद वो कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार का इकरार तो नहीं है, या राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए डोनेशन का के एहसान की वजह से ये जुबान तो नहीं है। फिलहाल तो उनके खुद के मंत्री के यहां से 55 करोड़ रुपए कैश मिल चुके थे। कांग्रेस के एक नेता के यहां कर्नाटक में 150 करोड़ कैश, बंगाल के बगल में झारखंड है वहां 350 करोड़ कैश। तो मेरा मानना है पहले इधर तो झांक के देख लीजिए, पर अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास करिए। हमारी जो सरकार काम कर रही है, एजेंसियां पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, और प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार निरंतर चालू रहेगा।